तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों को थोड़ा मैनेज करना होगा कुछ दिनों के लिए, जो मेरी आवाज़ एको हो रही है उसके लिए, ठीक है। क्योंकि अभी ये यहाँ नए वाले घर में, जैसा कि मैं शिफ्ट हुआ हूँ, तो यहाँ पर कुछ भी सेटअप अभी नहीं कराया वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो अभी काफ़ी टाइम हो रहा था, अभी यूट्यूब पर वीडियो नहीं जा रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो स्टार्ट कर ही दिया जाए। पहले तो मैंने सोचा था कि एक सेटअप बनाऊंगा, उसके बाद स्टार्ट करूंगा, लेकिन फिर मैं सोच रहा हूँ कि नहीं यार, बना देना चाहिए, अभी जैसा है वैसा बना देना चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को। मैं बताना चाहूँगा कि आपको MNC कंपनी के अंदर अगर आप जा रहे हैं तो वो किस टाइप के क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तो जल्दी जल्दी से मैं स्टार्ट कर देता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। देखो, जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो इंटरनेशनल कंपनी के लिए बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। MNC में किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डोमेस्टिक से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स इसमें शेयर नहीं करना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले देखो, नॉर्मल सा क्वेश्चन जो होता है हर किसी के साथ, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ का आता है। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ में आपको कम से कम पाँच चीज़ें बतानी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपको HR को घुमाना है तो सबसे पहले अपने बारे में बताओ, आप कहाँ रहते हो वहाँ के बारे में बताओ, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है उसके बारे में बताओ, और आपकी हॉबीज़ क्या है, हॉबीज़ में कम से कम दो हॉबीज़ बताओ, ठीक है। लास्ट, आपको आपके शहर में कौन सी जगह अच्छी लगती है या फिर क्या अच्छा लगता है वो चीज़ ज़रूर बताओ, ठीक है। क्योंकि इन पांच चीज़ों में ही, चार चीज़ों में देखो, आपके नाम में तो क्या ही HR क्वेश्चंस पुटअप करेगा। जो चार चीज़ें हैं, चार चीज़ों में कुछ भी HR जो है क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। जैसे कि मान लो आपने हॉबीज़ बता दी, डांसिंग एंड लिसनिंग टू म्यूज़िक बता दिया, तो डांसिंग एंड लिसनिंग टू म्यूज़िक में अगर आपको फिर वहाँ पे क्वेश्चन HR के लिए बन के क्रिएट ये हो जाता है कि भाई विच वन डू यू मोस्ट लाइक, लाइक कौन सा वाला ज़्यादा आप पसंद करते हो आपकी हॉबीज़ में, जैसे कि डांसिंग ज़्यादा अच्छा पसंद करते हो या फिर लिसनिंग टू म्यूज़िक ज़्यादा पसंद करते हो आप, तो इस तरह से उसका क्वेश्चन बन जाएगा ये पहला। तो इस तरह से वो आपका जो है क्वेश्चन आपको घुमा दिया जाएगा। क्वेश्चन ये भी कर सकता है HR की, जैसे कि टेल मी समथिंग अबाउट यस्टरडे मॉर्निंग टू नाइट, ठीक है, एंड टेल मी समथिंग अबाउट योर डेली स्केड्यूल। ये दोनों तीनों जो क्वेश्चंस मैंने बताए, ये तीनों के तीनों अलग हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसा है जैसे टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो वो हो गया, मतलब टेल मी समथिंग अबाउट यस्टरडे। यस्टरडे के में क्या है, आप सेकंड फॉर्म यूज़ करोगे वर्ब में हर किसी में, ठीक है। और अगर डेली स्केड्यूल में बता दिया तो वहाँ पे क्या फर्स्ट वर्ब यूज़ करोगे आप, तो ये थोड़ा सा घुमाने वाला हो जाएगा। वो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड्स कई बार हमें, देखो जो जिनकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है, ठीक है, तो वो तो इन सब चीज़ों में इतना घूमते नहीं हैं, लेकिन वो ज़रूर घूम जाते हैं। जैसे हम कोई सी वीडियो को देखा हमने और हमारे माइंड में सेट ये है कि अगर HR ने ये पूछा तो हमें ये बताना है, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा उनका जो क्वेश्चन होगा उस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये सारी चीज़ों जी, लॉकडाउन जैसे कि पड़ गया, लॉकडाउन के बारे में तो ज़रूर पूछते हैं, लॉकडाउन के बारे में भाई कि गरीबों पर क्या असर पड़ा, ठीक है, स्टूडेंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ा, हाउ अफेक्टेड COVID-19 ऑन स्टूडेंट्स लाइफ, ऑन पीपल, पुअर पीपल, तो इस तरह से क्वेश्चंस वो कर देते हैं आपके ऊपर, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम अलग की बात करें इसमें ये और क्या क्वेश्चंस पुटअप किए जा सकते हैं, तो दो मिनट के लिए कोई भी स्टोरी बोलने के लिए कह दिया जाएगा आपसे, किसी भी चीज़ के ऊपर, BPO के ऊपर, MNC के ऊपर, कोई सी स्टोरी दे देंगे, आप जहाँ रहते हो वहाँ के बारे में बताओ, किसी भी चीज़ XYZ किसी भी चीज़ के बारे में आपको दो मिनट बोलने के लिए बोल देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस टाइप से जो है क्वेश्चंस निकल के आएंगे, तो ये सब चीज़ों आप जरूर बताओ। देखो ये था फ्रेशर्स के लिए, जिसके आप फ्रेशर जा रहे हो। कोई कोई कंपनी ऐसी होती है कि बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ देते हैं, जैसा मान लो आप गेमिंग में जा रहे हो, तो गेमिंग से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पुटअप कर लेंगे, जैसे कि INR है, बहुत सारे उसमें प्रोसेस ऐसे हैं इंटरनेशनल प्रोसेस कि उसमें जो है गेमिंग के भी हैं, तो गेमिंग से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। देखो हालांकि मैं गेम तो नहीं खेलता, तो आप खेलते होगे तो आपको पता होगा कि कौन से स्टेप्स के बाद कैसे क्या होता है भाई, गन कौन सी कहाँ पर मिलती है ना, हमें अंडरग्राउंड होकर कैसे लड़ना होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होगी। तो इस तरह से वो क्वेश्चंस पुटअप करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस सब चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ये आ जाती है कि भाई अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो एक्सपीरियंस के लिए कैसे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। देखो एक्सपीरियंस के लिए कोई, ये तो सारी चीज़ें होती होती हैं,
लेकिन एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए जो एड ऑन हो जाती है उनका एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो जाता है कि आपने लास्ट कंपनी क्यों छोड़ी, ठीक है, आपने लास्ट कंपनी क्यों छोड़ दी और आपका वर्क प्रोफाइल क्या था, आपका मतलब कैसे काम करते थे, कैसे मैनेज करते थे, क्यों छोड़ दिया। दुनिया भर के अगर आप एक्सपीरियंस, मान लो मेडिकल बिलिंग लाइन में, तो 5 डिनाइल्स के बारे में बताओ, किसी और फील्ड से हैं तो उसके बारे में बताओ। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है पुटअप कराए जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, और कुछ भी क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है वो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करके ज़रूर बताऊँगा फ्रेंड्स, और यूँ ही सपोर्ट करते रहो, ठीक है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।